अस्सलाम एवरीवन। तो चेक्स के नशे में चूर रहते हैं, इतना अंदर बने होते हैं कि आपकी चीखने के बाद भी आवाज अंदर नहीं जाती। कवाइज ईशा की नमाज पढ़ के आ चुका है और अब्दुल रहमान भाई हैं, और इनको ये नहीं पता कि मेरा नाम भी सैयद अब्दुल रहमान ही है। हसनैन अली से जो एक ड्रामा आर्टिस्ट हैं, और अभी everyone, hello जी, we are welcome back to another vlog। और आज के vlog में आपका भाई काम पे जाने के लिए तैयार हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, मैच भी इंजॉय करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आज कि हम स्विमिंग पूल विजिट करें और स्विमिंग पूल भी जाएं हम लोग। और जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो ताकि आने वाली न्यू वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। भाई आपका भाई जो है काम से आ चुका है और अभी अभी जो है आया है, और थोड़ी देर बाद जो है जमात होगी तो हम बाद जमात नमाज पढ़ेंगे। और आज हमारा शायद प्लान बन जाए स्विमिंग पूल जाने का। आज आपका भाई जो है जाने वाला था स्विमिंग पूल, लेकिन वो प्रोग्राम हो चुका है कैंसिल और आपका भाई आज जा रहा है। भाई तो आपके भाई को लोकेशन मिली थी शेल के पेट्रोल पंप की एग्जैक्ट लोकेशन, और अब हम जो है शेल के पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और देखते हैं कि हमें मजीद और कितना आगे जाना है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। ये बना हुआ शेल का पेट्रोल पंप और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और अभी थोड़ा सा हमें और काफ़ी अंदर जाना है, तो उसके बाद जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन आएगी जहाँ पर ऑफिस है। तो भाई चर्च के नशे में चूर रहते हैं, आपकी मोहब्बत से दूर रहते हैं, आपका भाई जो है सेट के बिल्कुल करीब आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। सेट के आसपास हम आ चुके हैं और बहुत जल्द हम सेट पे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ के जो आज के जो कॉन्ट्रेक्टर हैं वो है वजाद साहब। हैं भाई ठंडे बड़े भाई, ये भगवान क्या आपसे मुखातिब हम ब्लॉक के अंदर। जी जी बोलिए, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ट्रैफिक बहुत था असल में, आपको कराची करोड़ों को पता। तो कौन सा तीर मारा? जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको डंडा देने से ग्रेस करें और कराची के ट्रैफिक को। ट्रैफिक में कौन फंस चुके हैं? फंस चुके हैं वो भी आ रहे हैं, फंस चुका एक्टर भी फंस चुके हैं, मैं कुछ उल्टा समझ गया था एकदम से। अबे साले जब चलने वाले हैं, हम चलने वाले हैं सेट की तरफ, आप उल्टा मत समझो टूट। भाई आज मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, सेट वगैरह जो होते हैं ना वो इतना अंदर बने होते हैं कि आपकी चीखने के बाद भी आवाज अंदर नहीं जाती। सब्सक्राइब तो तुम मारो, टच करो कुछ भी करो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये गूंगा हा 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 बोला। चुप कर तुम। मैं जानता हूं, थोड़ा आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं तो शेर के पंप पे आ गया, दिया। तो भाई आपका भाई जो ईशा की नमाज़ पढ़ के आ चुका है और सेट वेट भी सारा लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं सेट की भी सारी तैयार हो चुकी हैं। तो थोड़ी देर में जो है आपके भाई का जो है वो खाना लगने वाला है, उसके बाद जो है शूट स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग फिर आप लोगों को बताते हैं कि शूट किस चीज़ का है। भाई हमारे असद भाई के जो है टचअप हो रहा है यहाँ पर, और बाकी बंदे भी टचअप वाले यहाँ वेटिंग पे हैं। नहीं भाई, आपके भाई का जो है कब हो गया है? आपके भाई का टचअप हो गया और अब हम जो है शूट पे जाने वाले हैं। सही है यार, टाटी पे भी चल रहा है, तो अभी हम जाने वाले हैं शूट की तरफ और टचअप थोड़ा सा ज़रूरी था, अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो भाई आपका भाई सेट की तरफ आ चुका है और आपके भाई का लैपटॉप आ रहा है, और ये हमारे जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, कैसे हैं आप? आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई हैं, और इनको ये नहीं पता कि मेरा नाम भी सैयद अब्दुल रहमान ही है। आपको नहीं, मेरा नाम भी सैयद अब्दुल रहमान ही है। अबे साले, ये आपके भाई का जो सेट रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहले आपका भाई जो है फाइनली हाईलाइट्स में नहीं था, लेकिन जो है अब आपका भाई जो है कैमरे के बिल्कुल अपोजिट पे आ चुका है, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैमरा कहाँ पे है। और ये कैमरा जो है बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से जिम की जो है एक्सरसाइज की प्लेट्स लगाई हुई हैं, मिनिमम 50 अबव जो है ना केजी वेट लगाया हुआ है कैमरा बैलेंस करने के लिए। आप सोचिए कैमरे का कितना वेट होता है, अगर लोग सोचते हैं कि जो है शूटिंग्स इतनी ईजली हो जाती हैं
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शूटिंग्स इतनी आसानी से नहीं होती, शूटिंग्स बहुत मुश्किल से होती हैं, सेट बहुत मुश्किल से रेडी होते हैं। आज जो है आपके भाई का शूट है, इजाज़ असलम जो है एक्टर हैं, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर, उनके साथ नहीं, हमारा नहीं, शूट है। आप गलत बता रहे हो, अभी इजाज़ असलम नहीं मुझे, अरे मैंने इस पर नाम देखा है भाई, देखा आपने गूगल पे, आपके भाई ने नाम जो है कन्फर्म कर लिया, गुड नेम इज इजाज़ असलम, कैमरा अगर घुमा के भाई, हाँ भाई कन्फर्म करिएगा नाम क्या है, नाम बताओ, इजाज़ असलम भाई ने कन्फर्म कर दिया कि इजाज़ असलम है। और इस शूट के एंड में हम आपको जो है उनसे मिलवाने भी वाले हैं, सलाम दुआ करवाएंगे आपके हम उनसे, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस और एक्टर्स आप लोगों से मिलते रहें। असद भाई मूव करें थोड़ा सा, भाई असद भाई ने जो है साइड पे से किसी के चिप्स उठा लिया और वो खा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अभी। इतने अच्छे मौसम में सारे एसी चला रहे थे, मेरे पास कोई खजाना है क्या? इतने अच्छे मौसम में सारे एसी चला रखे, मेरे पास कोई खजाना है क्या? हम आ चुके हैं सेट के थर्ड फ्लोर के ऊपर, और थर्ड फ्लोर का शूट है, फर्स्ट फ्लोर का जो शूट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके भी कुछ शॉट्स आपको दिखाएंगे, और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें, मिलती रहें। वही तो हम जो है अब सेट पे खाना खाने लगे हैं, और आपको दिखा देंगे सेट पे जो है खाना स्टार्ट कैसे करते हैं, ये देखें। अबे भाई एक खोल, आज के व्लॉग में हम आपको जो है मिलवाने वाले हैं हसनैन अली से, जो एक ड्रामा आर्टिस्ट हैं, और अभी रिसेंटली उनका जो है ड्रामा चल भी रहा है फ़ेरोज़ खान के साथ, ड्रामे का नाम है कुमार। तो अभी हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, सब मजे में, कुछ बताएं अपने बारे में। जूनियर आर्टिस्ट के उसमें आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा हूँ, और अभी लास्ट कुमार ड्रामे कर रहा हूँ फ़ेरोज़ खान के साथ, बहुत सा करेक्टर है मेरा। बाकी अभी भी हम कमर्शियल पे मिले भाई से, तो इंट्रोडक्शन भाई ने लिया था, हमने भाई लिया। अच्छा हसनैन भाई का भी आपको बताते चलें कि हसनैन भाई का भी यूट्यूब चैनल है हसनैन अली व्लॉग के नाम से, तो आप लोग उस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई न्यू वीडियोस मिलते रहें, न्यू व्लॉग्स मिलते रहें। हसनैन भाई के व्लॉग आपको बताते चलेंगे बहुत ज़्यादा ही कमाल के होते हैं। और आप SAR डेली व्लॉगिंग के बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोल सकता हूँ यार, अभी मैंने सही बताऊँ हकीकत, अभी मैंने सब्सक्राइब किया है और वीडियो देखूँगा, उस पर कमेंट वगैरह लाज भी करूँगा। बाकी मेरे जो चैनल का बोला है उसका लिंक भाई दे देंगे आप लोग, आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग SAR डेली व्लॉगिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले न्यू एक्टर्स से आपकी मुलाकात होती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो भाई काम करने के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटे छोटे रोल से बंदा आगे जाता रहता है। अगर आप सोचते हो कि घर से फेयरमैन के फेस वॉश से मुंह धो के निकलो और शाहरुख खान बन जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शाहरुख खान ने भी अपनी ज़िंदगी में 25 से 30 साल लगाए हैं, उसके बाद वो शाहरुख खान बना है। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, देखते रहा करो, उसके ब्लॉग बहुत मजे के होते हैं। नाम ये भाई जो बंदा मेरे ब्लॉग को देख रहा है वो SAR डेली ब्लॉगिंग को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।